विंध्याचल पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजन के दौरान विंध्याचल मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा और डीएम प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। दर्शन पूजन के बाद मुख्य सचिव ने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की ये रिपोर्ट। हो रहा है, सबको पूरा मौका है और मैं तो हर एक मतदाता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप निकलिए और निकल करके अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है हर मतदाता को अपनी सरकार चुनने का, ऐसी सरकार जो उसकी सुरक्षा कर सके, ऐसी सरकार जो उसको विकास का मौका दे सके, ऐसी सरकार जो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ऐसी सरकार जो कि उसको जो है उनके बेहतर स्वास्थ्य दे सके, तो जो हर तरीके का उसको बेहतर व्यवसाय बेहतर अवसर मिल सके, अपने प्रदेश का चौमुखी विकास हो, तो उस सरकार को चुनने का मतदाता को एक बार मौका मिलता है 5 साल में। इसलिए मैं तो सारे मतदाताओं से ये अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा, क्योंकि आपको आपकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने हमारे जिलाधिकारियों ने पुलिस के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था कर ली है, आप बिल्कुल सुरक्षित, जो कोविड की व्यवस्था भी कोविड का पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया प्रदेश में, तो ऐसे हालत में आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए और 100% मतदान करिए। मैंने ये नहीं कि पहले 50% 60%, आप 100% 100% लोग निकले, घर के बाहर निकले और एक उत्सव के तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का जैसे हम लोग मनाते हैं दिवाली होली का पर्व मनाते हैं, कोई ईद और क्रिसमस का पर्व मनाते हैं, वैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान का पर्व होता है। इस मतदान के पर्व में पूरे उत्साह के साथ हर एक मतदाता निकले और निकल के जाके अपना वोट।